खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स द्वारा थाना शाहबाद तथा थाना बेहटा गोकुल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री वत्स द्वारा संबंधित प्रभारी निरीक्षक को कानून व्यवस्था, अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण के साथ साथ कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी श्री वत्स ने शाहबाद में ऑक्सीजन आदि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिससे जनपद वासियों को सुगमता से कोरोना से जुड़ी दवाइयां आदि मिल सके। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी शाहबाद सत्येंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक शाहबाद शिवशंकर सिंह तथा थाना बेहटा गोकुल में प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मीकांत मिश्र मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ थाना शाहबाद क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी शाहबाद और एसएसओ शाहबाद के साथ में बैठ के एक मीटिंग की गई है। इसमें देखा गया है कि इस एरिया में शाहबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना से संबंधित जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो किस प्रकार की है, इसकी समीक्षा की गई है। साथ ही यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनको ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये निर्देशित किया जाए और ये सुनिश्चित करवा लिया जाए कि कोरोना से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल हैं और जो सावधानियाँ हैं वो सभी लोग बरतें। जैसा कि सभी लोगों ने वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमें सावधानी है वो लगातार बना के रखनी है। लोगों के अंदर कोरोना को लेकर हमें लगातार जागरूकता फैलानी है, चाहे वो पीए सिस्टम को लेकर या किसी के माध्यम से। इसके साथ ही हमने ये भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कई जगह से शिकायत मिलती है कि लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और कोरोना संबंधित दवाइयाँ जैसे रेमडेसिविर इसकी कालाबाजारी लोग करते हैं, थोड़ी चीज़ें बेचते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि अपनी रणनीति बनाएं और ऐसे लोगों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे कि संदेश जा सके और यहाँ सभी जनपद वासियों को बहुत सुगमता के साथ में कोरोना संबंधित दवाइयाँ उपलब्ध की जाएंगी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।